बाद दफा आपको पता ही नहीं होता कि कौन सा आपको सूट करता है, आप महंगा ले लेते हैं सस्ता ले लेते हैं। मेरा ख्याल है कि मार्केट में सारे चलते हैं और वर्डप्रेस ज्यादा है, शॉपिफाई भी चलता है, बिग कॉमर्स भी है वो भी चलता है, सारे ही है। लेकिन ये कि कुछ बहुत ज्यादा महंगे पड़ते हैं आपको, जैसे शॉपिफाई थोड़ा महंगा पड़ता है आपको, वेब कॉम जो बिग कॉमर्स वो भी महंगा पड़ता है आपको, वर्डप्रेस फ्री पड़ता है आपको, इस तरह कई चीजें इसमें इन्वॉल्व है कि आपने किस पे जाना है। मेरा मशवरा ये है कि अगर आपने एक ऑनलाइन काम शुरू करना हो तो पहला वो रखें जो जल्दी काम चल पड़े, यानी कि जिससे चीज जल्दी तैयार हो जाए। अगर मैंने देखा कुछ लोग वेबसाइट बना रहे होते हैं, बनते बनते उनको दो साल लग जाते हैं। दो साल के बाद समझे कि आपका तो काम करने को दिल नहीं करेगा, तब तक आपका जो प्लान था वो जीरो हो जाता है। अगर आपने स्मॉल टू मीडियम सेटअप बनाना है तो चुप करके वर्डप्रेस में शुरू करें, अपना शुरू करें काम, जब चल पड़ेगा तो कोई और मेथड भी ट्राई कर लीजिएगा वेबसाइट को, अगर आप बनाने के हवाले से बात करते हैं। मैं कभी एक ट्रेनिंग कर रहा था, अभी एक गवर्नमेंट की ट्रेनिंग कर रही थी, उसमें एक फीमेल, मैंने को अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया है और दो साल हो गए वेबसाइट बनते बनते, वेबसाइट नहीं कहते पूरी अभी तक हुई। तो मैं कहा दो साल के बाद तो आपको काम करने को दिल नहीं करेगा, जो पैसे सारे लग चुके होते हैं आप वैसे थक जाते हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका वो हो जो जल्दी परफॉर्म करे, ताकि आप एक दफा फ्लो में है, आपका दिल करे काम करने को। वर्डप्रेस से शुरू करें, जब काम चल पड़ेगा तो फिर तो मर्जी कर लें, फिर आप कस्टमाइज बनवा लें अगर कोई वर्डप्रेस नहीं सूट करेगा। लेकिन शुरू में कस्टमाइज, मेरा अपना ख्याल है कि अगर आपके पास बजट कम है तो शुरू में कस्टमाइज वेबसाइट बनवाना बिल्कुल एक खुदकुशी करने वाली बात है। वो इतना लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इतना डिपेंडेंट आप हो जाएंगे, आपका दिल नहीं करेगा काम करने को, आप कहेंगे यार इससे बेहतर कोई और ही काम करें। इसलिए शुरू वो करें जिसमें जल्दी काम चल पड़े। बाकी वो मार्केट में जाएंगे तो जो डेवलपर है वो वर्डप्रेस को बुरा भला कहते हैं, वर्डप्रेस वाले डेवलपर को बुरा भला कहते हैं, हम जो कि दोनों ही नहीं है, हम दोनों को अच्छा कहते हैं या बुरा कहते हैं। इसलिए हर बंदे के अपने कुछ है, लेकिन मेरा जो मैंने जो मार्केट में देखा, अगर आपका प्रोजेक्ट बनने में लेट हो गया तो आप वो प्रोजेक्ट बंद हो जाता है, क्योंकि आपका जोर लग जाता है बनाने में। आप पहला प्रोसेस ये करें कि जितनी जल्दी हो सके वो एक दफा लाइव हो, स्मॉल टू मीडियम के हवाले से बात करूं। अगर आपके पास कोई मिलियन में बजट है तो फिर आप बनवाते जाए, लगे रहे आस्ता आस्ता। और कोई साथी को फरमाना चाहे? ड्रॉप शिपिंग बता दूंगा जी, ड्रॉप शिपिंग पे बात हो जी, कर दूंगा बात। अच्छा, नंबर फोर पे आ जाएं कि आप में से किसी ने ट्रेनिंग की बात की थी कि आप ट्रेनिंग की तरफ आ जाएं, और मेरा ख्याल है कि इन दिनों में ऑनलाइन ट्रेनिंग का कितना काम चला वो आप बेहतर जानते हैं। अब आप कौन सी ट्रेनिंग कर सकते हैं? देखिए, आप लोग यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं कर सकते, आप शॉर्ट सर्टिफिकेशन, आप कुरान पाक के वाले से ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकते हैं, सिस्को की, माइक्रोसॉफ्ट की, ग्राफिक डिजाइनिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की, वेबसाइट डेवलपमेंट की, जितनी ये शॉर्ट सर्टिफिकेशन है और कुरान पाक के वाले से ट्रेनिंग, ये बड़ी ऑनलाइन बहुत ज्यादा काम हो रहा है और बहुत अच्छा अपन कर सकते हैं अगर आप ट्रेनिंग ऑनलाइन में चले जाए। हाँ, फिजिकल भी आप कर सकते हैं, कल को कोरोना खत्म हो जाए तो आप ऐसी की ट्रेनिंग में आ जाए, कोई अपने एरिया में कोई इंस्टीट्यूट ढूंढ लें जो आपके एरिया में हो, आपको अपना इंस्टीट्यूट लेके शुरू करने की जरूरत नहीं है, आपके एरिया में जो भी कोई इंस्टीट्यूट हो जो छोटे लेवल पे सर्टिफिकेशन करवाता हो, आप वहां जाकर उनसे मीटिंग करें, उनसे कहें जी मैं सेमिनार करता हूँ आपके स्टूडेंट को, उनको गाइड करता हूँ, कल क्लास बनेगी तो अपने को उनसे परसेंटेज तय कर लीजिएगा।
टिप्स मांगेंगे तो वो इतराज करेगा, लेकिन जब परसेंटेज की बात करेंगे तो बिल्कुल उसको कोई इतराज नहीं होगा, क्योंकि आप उसको कमा के देंगे। आप अपने एरिया में जहां रहते हैं उसी एरिया में कोई इंस्टीट्यूट ढूंढ के उनसे एक आध सेमिनार आप कर देंगे तो क्लास चल पड़ती है। थोड़ा सेमिनार करना मुश्किल होता है शुरू में, कि आपने एक डेढ़ घंटा बोलना पब्लिक के सामने, लेकिन किसी छोटे इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो बच्चे भी कम होंगे, 15-20-30 बैठेंगे, उनको आप एक घंटा को बात सुनाएंगे, कॉन्फिडेंस से बात करेंगे तो क्लास शुरू हो सकती है। फिर आप ऑनलाइन भी करें, ऑनलाइन जो आप टेक्निकल नहीं कर सकते, कुरान पाक की ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा काम ऑनलाइन हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग बड़े मुनज्जम तरीके से कर रहे हैं, और मौलवी हजरात कर रहे हैं जिनको मार्केटिंग भी नहीं आती वो भी कर रहे हैं, वेबसाइट बनाते हैं, अपने पेज बनाते हैं और कंपेन चलाते हैं बाहर से, बच्चे उनको पास पढ़ने के लिए पाकिस्तान ऑनलाइन आ जाते हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर भी शुरू हो गया ऑनलाइन ट्रेनिंग का, लोग नहीं चाहते कि कोई बच्चे बाहर जाएं या कोई घर में आए टीचिंग के लिए, लोग ऑनलाइन सेटअप बनाते हैं, जो कि इंटरनेट बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। आप ट्रेनिंग को जरूर ऐड करें, ट्रेनिंग जल्दी चलने वाला सिलसिला है। अगर आप में से कोई फिजिकल ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड है बिल्कुल मेरे से मिल ले, मैं गाइड कर सकता हूँ कि कहाँ से स्टार्ट लेना है, कैसे स्टार्ट लेना है, वो बिल्कुल स्टार्ट करें अपना ट्रेनिंग का। और लोग जो कर रहे हैं मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा स्कोप है। आप देखा लाहौर में कितने लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो चलती है सबकी, स्टूडेंट कम ज्यादा हो सकते हैं लेकिन चलती है लोग, उसमें ये कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शुरू में चाहिए होता है। और आप ऑनलाइन भी शुरू कर लें, फिजिकल से भी स्टार्ट करें, लेकिन शॉर्ट सर्टिफिकेशन में कह लें कि काम अच्छा है। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए देखें कि शुरू में ऑनलाइन थोड़ा सा मुश्किल होगा ट्रेनिंग करना आपको, शुरू में आप फिजिकल ट्रेनिंग से ऑनलाइन जाएंगे तो काम जल्दी चलेगा। ऑनलाइन ऑनलाइन फ्रेश बंदे का ट्रेनिंग बहुत कम चलती है, क्योंकि लोग आपको जानते नहीं है, लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। आप पहले फिजिकली किसी इंस्टीट्यूट से शुरू करें, देखिए गली गली कॉलेज छोटे छोटे इंस्टीट्यूट खुले हुए, जाके किसी से आप, मैंने कहा आप किसी से सैलरी ना मांगिए, उन्होंने कहा जी मैं परसेंटेज पे काम करूंगा आपके साथ, मैं आपको क्लास बना के दूंगा। आप जाएं वहां छोटा सा सेमिनार करें, क्लासेस में जाके बात करें, फेसबुक पे कंपेन चला दें, स्टूडेंट आ जाएंगे। जब फिजिकली थोड़ा सा काम चल पड़े फिर आप उस प्रोफाइल को ऑनलाइन लेके जाएं। आप देखें लोग ऑनलाइन आजकल वीडियो बना बना के अपने लगे हुए हैं लेक्चर करने, लेकिन चलते उसके हैं जो थोड़ा सा मार्केट में पहले चल जाता है, वो फिर ऑनलाइन आता है वो ज्यादा अच्छा चलता है। तो आप ऑनलाइन को अभी ट्रेनिंग में ना शुरू करें, आपके पास स्टूडेंट नहीं आएगा, लेकिन ऑनलाइन के रेट बहुत ज्यादा है। आप ऑनलाइन ट्रेनिंग करेंगे तो ऑनलाइन के रेट, क्योंकि बाहर के कंट्री में ट्रेनिंग बहुत महंगी है, यही सिस्को माइक्रोसॉफ्ट की ट्रेनिंग बाहर को 4-4, 3-3 हज़ार डॉलर में होती है, तो पाकिस्तानी ऑनलाइन $500 में कर देता है, वो भी खुश होता है, पाकिस्तानी भी खुश है, क्योंकि पाकिस्तानी के पास $500 का मतलब अच्छे खासे बन जाएंगे, और जो बाहर बैठा हुआ उसको पता है $4,000 देने, और ट्रेनिंग भी बाहर 5 दिन की होती है, पाकिस्तान में ट्रेनिंग भी लंबा अरसा चलती है। वैसल ने किधर को जम मारा जल्दी जल्दी, को ट्रेनिंग में मैं क्या, किसी का माइंड हो ट्रेनिंग करने का, कोई इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल वो मिलके बात कर सकता है। ट्रेनिंग में थोड़ा सा मैंने आईडिया दिया, ट्रेनिंग बहुत अच्छा काम है, साथ साथ ट्रेनिंग से आपका बाकी बिजनेस भी चल पड़ते हैं, एसईओ वाला काम भी चल पड़ता है आपका, क्योंकि लोग आपको जानना शुरू हो जाते हैं, एक अलग बन जाते हैं मार्केट के साथ। ट्रेनिंग में कौन कौन आना चाहता है मैसेज तो करें एक दफा चैट पे। बिल्कुल अब्दुर्रहमान, जिनको ट्रेनिंग के लिए फुली अंडरस्टैंडिंग, जैसा सब देखें फुली अंडरस्टैंडिंग दुनिया जिंदगी में कभी भी नहीं आती, कि अगर आप कहेंगे अंडरस्टैंडिंग बनेगी तो फिर मैंने जाना है। आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में, बल्कि आप जैसा आप नदीम साहब को जानते हैं, बल्कि नदीम नूर साहब को नाम सुना होगा आपने, बल्कि जानते भी होंगे। यस, आपके ख्याल में ये जैसा साहब मेरे क्लीग रहे पहले जब मैं जॉब पे था, और मुझे याद है कि हम दोनों इकट्ठे थे जॉब पे, तो इनको बल्कि पता ही है कि मेरी वहां सैलरी क्या होती थी, ये बेहतर जानते हैं। इकट्ठे हमने जॉब शुरू की थी, और जो जॉब पे रहे मैं अपने काम की तरफ आ गया, तो वहां एक साथी थे हमारे नदीम नूर साहब, मैं उनके एग्जांपल क्लास में देता होता हूँ कि
चीजों का प्रैक्टिकली नहीं पता लेकिन बातों में बहुत ज्यादा पूरे, क्योंकि टीचिंग में आपको थ्योरी भी आनी चाहिए, प्रैक्टिकल का भी कुछ पता होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा पहले आप ए टू जी पढ़ के फिर ही ट्रेनिंग में आ सकते हैं। वो ट्रेनिंग में बच्चे भी आपके सामने उस लेवल के अभी शुरू में नहीं होंगे, आप शुरू बड़ी बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आप अपनी थ्योरी बेहतर करें, कुछ बुक्स देखें, आर्टिकल पढ़ लें, इंटरनेट पे सब कुछ पढ़ा हुआ है, 15-20 दिन आप पढ़ लें तो चीजें समझ आ जाती हैं आपको, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप ट्रेंड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे बहुत ज्यादा ट्रेंड होके फिर मैं टीचिंग शुरू करूंगा तो वो बड़ा लंबा काम है। जिस तरह फर्ज करें आप डिजाइनर हैं, आपको डिजाइनिंग अच्छी आती है तो आप डिजाइनिंग की शुरू कर दें क्लासेस, और डिजाइनिंग के साथ अब आपके लिए मैं गाइड कर रहा हूँ कि आप डिजाइनर हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके कहें जी मैं डिजाइनिंग की क्लास कर सकता हूँ, आपको आती है। जो बच्चे डिजाइनिंग के लिए आएंगे उन्हीं को बाद में एसईओ पे सेमिनार कर देना कि मैं ये भी कर सकता हूँ, बच्चे इधर भी आ जाएंगे आपके पास। तो वो कोई ना कोई स्किल तो आपके पास है ना, आपके पास कोई क्लास में डेवलपर बैठे हुए हैं, कुछ क्लास में डिजाइनर बैठे हुए हैं, कुछ लोग एसईओ अच्छा जानते हैं। अभी नासिर साहब कह रहे हैं मेरे पास डिफरेंट डोमेन्स हैं टीचिंग के लिए, तो आप अपनी डिजाइनिंग से शुरू करके डिजाइनिंग को ऑनलाइन लेके आ जाए। ग्राफिक डिजाइनिंग की लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, लोग सक्सेसफुल हैं क्लासेस में क्योंकि इसको लोग शौक से पढ़ते हैं। आप अपनी क्लास तो ऑनलाइन लगाएंगे, मैं डिजाइनिंग अपना एक्सपीरियंस लिखे, अपनी प्रोफाइल दिखाएं उनको, लोग आपके पास आ जाएंगे ऑनलाइन के लिए। एक पहली क्लास में नहीं आएंगे, दूसरी क्लास में नहीं आएंगे। जैसा मैंने फीमेल देखी ऑनलाइन क्लासेस करते हुए, बल्कि मैंने 2-4 की क्लास भी अटेंड की, बिल्कुल बात करनी भी नहीं आती लेकिन क्लास चल रही है उनकी। तो आप तो फिर 15 साल का एक्सपीरियंस है डिजाइनिंग का आपका, 15 साल थोड़े होते हैं, 10 साल और रहेगा उसके बाद तो आपने रिटायर हो जाना। जल्दी जल्दी शुरू करें ट्रेनिंग। अच्छा साहब आपके पास कौन सी डोमेन है टीचिंग के लिए? बिल्कुल वर्डप्रेस से ग्राफिक है, जो अभी जिन जिया साहब को मैं बात कर रहा था, इनका माशाल्लाह 15 साल का एक्सपीरियंस है डिजाइनिंग का। 15 साल के बाद जिया अपनी क्लास तो लगाएं, एक दफा मेरे से मिलके अपनी क्लास तो अनाउंस करें, मैं अपने पेज पे आपकी क्लास लगा देता हूँ, आप देखें क्यूरी आना शुरू हो जाएगी आपको। जिया साहब कह रहे ट्राई करूंगा, जिया साहब ट्राई नहीं करनी और ट्राई के बाद शुरू करना काम। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है आपको, बस बाकी चीजें आपको सबको आती हैं, पढ़ लिया आप लोगों ने। मुझे याद है कि मेरे पास कॉर्बेट में बहुत सारे इंटर्नी ऐसे रहे जिन्होंने मेरे पास इंटर्नशिप की है, कुछ 6 साल मेरे साथ लगाया, अब वो भी मार्केट में ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका भी नाम चलता है, लोग उनसे पढ़ते भी है क्लासेस, और बाद दफा उनसे पूछते हैं कि आप नेम सबको जानते हैं, तो कहते हैं नहीं सर सुना नेम लगता है लेकिन जानते नहीं है, वो बाद में ऐसा भी कह देते हैं। तो आप ट्रेनिंग को स्टार्ट करें साथ, ये थोड़ा आसान काम है, कुछ लोग इसको मुश्किल समझते हैं, मेरा ख्याल है ये ज्यादा आसान काम है। अगर थोड़ा सा सब्जेक्ट नॉलेज आपके पास अच्छा है तो आप कर सकते हैं। सब कुरान पाक की टीचिंग को स्टार्ट कर लें, एक अच्छी वेबसाइट बनाएं कुरान पाक के हवाले से, उसका थोड़ा सा एसईओ कर लें। आप मुझे बता दें अगर आपकी कुरान पाक की टीचिंग की वेबसाइट हो उस पर 15-20 लोग भी गूगल से डेली आते हो आपको कॉल आना शुरू हो जाएगी कि हमने बच्चे अपने टीच करवाने हैं, आप बताएं कि क्या लेते हैं। तो लोगों ने पूरे सेटअप बनाए हुए इसी के ऊपर, और मैंने कहा वो एसईओ भी नहीं जानते, वो बात दफा कॉल सेंटर के थ्रू कॉल कर रहे हैं, कोई फेसबुक के थ्रू कंपेन कर रहा है, कोई गूगल पे पीपीसी चला रहा है, कोई एसईओ चला रहा है, कुछ भी नहीं चला रहा है, रेफरेंस से लोग बच्चों को टीच कर रहे हैं। आप बाहर की मार्केट को टारगेट करें, पाकिस्तानी इतने बैठे हैं बाहर जिनको ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए पाकिस्तान से, बहुत अच्छा पे करते हैं। चलो जी बच्चों नेक्स्ट कल मिलते हैं दोबारा, और जिन्होंने जो जो मैं डिस्कस करता जा रहा हूं अर्निंग मेथड, जिसको जिसमें हेल्प चाहिए वो टाइम लेके आ जाए, वो डिस्कस करे और शुरू करे। जो हेल्प चाहिए, प्रोफाइल चाहिए, कोई टीचिंग में प्रैक्टिस चाहिए, मैं अपनी क्लास दे सकता हूँ, उस क्लास में आप आधा घंटा बोल लें,
ये हेल्प हो सकती है आपकी, साथ ही टीचिंग में मेरे साथ इंटर्नशिप कर लें, कभी कभी मेरी क्लास कर ली, उससे आप सीख सकते हैं। तो बल्कि कॉर्पोरेट में ज्यादातर हमारे पास जितने भी टीचर हैं सारे ऐसे सीखते हैं, पहले इंटर्नशिप पे आते हैं, कॉर्पोरेट में 4-6 माह इंटर्नशिप करते हैं टीचर की, कभी कभी साथ लैब से शुरू करते हैं, पहले बच्चों को लैब करवाते हैं, फिर वो कभी कभी लेक्चर देना शुरू कर देते हैं, साल बाद वो टीचर बन जाते हैं। इस तरह आपने शुरू करना, थोड़ा सा आप अटैच हो, हेल्प बिल्कुल हो सकती है आप लोगों। टीचिंग फिर एक मेथड होगा, साथ एक तो मेथड और ऐड कर लीजिएगा, बिल्कुल आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, जिसने मिलना हो कल ओवरी हमारा लास्ट लेक्चर होगा, जिसने मिलना हो नंबर सबके पास है और वो मुलाकात कर आ जाए और बैठ के डिस्कस कर लेंगे, जो अच्छा हो सका बिल्कुल गाइड करूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।